Back to another live stream. मैं आपका अपना स्ट्रीम के क्या हूं। तुम्हें मम्मी का दस साल पुराना लोड़े से लट से मेरे भोसडी के आओ भाई बताओ तुम्हें टॉक्सिक चाहिए ना टॉक्सिक झाट के बालों तुम्हें भोसडी के आज बगल के बालों की चाउमीन खिलाता हूँ झाटों की सवैया परोसता हूँ के लोड़ो मेरे से ज्यादा टॉक्सिक हो गए तुम बैंड के लोड़ो है? एल 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 आओ के आओ ओ, के एक्स के के दिव्यांशु प्रेस वाले के लड़के माधर ऐसा चाटा रख के मारूंगा ना माधर ऐसा एफ करूंगा अपना माँ के लोड़े चूत मरी के हाँ 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 कर लो कर लो कर लो बहुत मैं रो के सोगा मेरा बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया भोसड़ी तुम्हारे एल बोलने से भाई मस्त काम था कुछ दिन बाद फटेगा जिम वाली वीडियो की तरह चूते हुआ आधा समझ नहीं है ज्ञान देते हैं। जमाई वाला बेस्ट था बहुत बहुत धन्यवाद भाई विट ट्यूबर भाई भाई बहुत मतलब एक नंबर को पुच्ची भाई भाई गंदी मतलब बहुत बदबूदार पुच्ची दे रहा हूँ ये चैट में बुस रही है जो बास हो गई है ना वो मेरे मुंह में भर गई है वो वाली पुच्ची को मैं यहाँ से देता हूँ भाई

बताओ भाई बताओ एक एक करके अपनी शिकायतें बताओ भोसडी की नगर नगर पालिका को बिठाऊंगा मैं मैं बैठाऊँ मादर चौदह बताओ एक एक करके बताओ आ, ब, 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 बस एल ही है ना मेरे को ही चालू करना पड़ेगा तुम्हारे तो पास तो कुछ होता नहीं है छठवीं क्लास के भोसड़ी के अनक्रिएटिव मादर चो लोग आ गए हैं चैट में यही है ना तुम्हारे पास बेस्ट तुम्हारा क्रिटिज्म यही है ना एल ठीक है भाई लेट्स मैं ही चालू करता हूँ हर बार की तरह क्योंकि चैट में तो भोसड़ी के कुछ होगा नहीं नगर विद्यालय में भोसडी के रिकमेंडेशन से पास होने वाले लौंडे क्या ही बताएंगे क्या चलेंगे स्ट्रीम दो साल बाद यही बोलेंगे रीशु वॉज ए ऑफ मेरे लौड़े पे बचते हो तुम लोग मेरे लौड़े पे बचते हो तुम लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी भोसड़ी के एक सत्रह साल के लौटे ने बिल्ड करी थी प्राइम रीशु भोसड़ी के तुम मेरे लंड पे बचते आए हो चौबीस घंटे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है भाई मैंने बिल्ड करे तुम्हारी पर्सनैलिटी को तुम मेरे को बताओगे बहन के लोड़ो क्या है ये भाई के बड्डे में अर्पित की स्प्लिट पर्सनैलिटी थी क्या भाई सारे जवाब दिए जाएंगे एक एक करके पहले मैं पहले मैं अपनी स्ट्रीम चढ़ाना चाहता हूँ खुद से अपने मुताबिक ना कि तुम्हारे मुताबिक हर बार की तरह ठीक है द कट इज गोइंग हार्ड स्लाइम थैंक यू सो मच भाई uh, ये इस कट को मैं बोलता हूँ फौजी कट भी मैंने अपने पापा वाले नाई से घर आया था निशाद भाई बीस रुपए के लिए धन्यवाद ठीक है भाई मैं स्ट्रीम आगे बढ़ाना चाहूंगा सुपर चैट को थोड़ी देर इग्नोर करेंगे वेरी अनलाइकली ऑफ मी सर राज गांधी थैंक यू भाई बीस रुपए के लिए ये लास्ट सुपर चैट है जो मैं अभी के लिए पढ़ रहा हूँ ठीक है लेट्स डू दिस लेट्स वॉकिंग डू दिस भाई फर्स्ट ऑफ ऑल चालू करते भाई एक एक करके एवरी फकिंग मूवमेंट राघा बनंदाई आर वी स्टेटिंग द दैट्स लाइक एवरी अदर टाइम आर वी स्टेटिंग द दबियस गाइस या लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट जो हम उठाने जा रहे हैं आज की इस स्ट्रीम पे वो है ये बिल्कुल रैंडम है भाई ये बिल्कुल रैंडम स्ट्रीम होने वाली है मैंने कुछ बैंकों लिस्ट नहीं करा है मैंने तुम्हारे पॉइंटर्स लिखे हैं और मैं अभी के अभी जवाब दूंगा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है जस्ट लाइक एवरी अदर फकिंग टाइम लेट्स डू दिस नंबर नंबर पॉइंट पॉइंट थोड़े से और जोक्स होते तो सही रहता एल एच एच डब्ल्यू दिव्यांशु राज भाई सबका जवाब दिया जाएगा आप स्ट्रीम के एंड तक बैठो जस्ट लाइक आप बैठने वाले आई डोंट हैव मतलब मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है लेट्स डू दिस लेट्स डू दिस पॉइंट नंबर फकिंग वन ओ हाँ ये सॉरी 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 मैं मैं डिस्क्लेमर लगाना भूल गया सॉरी भाई तुम लोग वो तुम्हारे लोग क्योंकि बुद्धि में नहीं पड़ेगा मैं लगा देता हूँ लेट्स डू दिस वी आर द टैग ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मी टू डू लाइक चार साल से पाँच साल से जो तुम्हें पसंद आता है मेरा सबसे फेवरेट सब जो मेरे मुंह से सुन के तुम्हारा बादर जो रात को लैस झड़ जाता है जो तुम अपनी मम्मी से कहते हो हर हफ्ते भिंडी बनाओ मेरे घुटनों की ग्रीस कम हो गई है क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि तुम्हारी वहीं रखी हुई है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम के नाम के अंदर चूत ओके 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 ठीक है थैंक यू फॉर फोर्टी रुपीज भाई मैं कहना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंडर इसकी सारी धाराओं को विषय विमर्श में रख के सबका बातचीत किया जाएगा मैं तो एड करने आया हूँ ठीक है भाई फेयर इनफ फेयर इनफ आर वी क्लियर आर वी क्लियर कर रोस्टिंग वीडियो कब आ रही है भाई ओके ओके ओकेडम ग्रेट वॉचिंग सिंस पूजा डिज थैंक यू बड़े भाई बिलॉज दिस द प्रॉब्लम यू टेक यूर सेल्फ टू सीरियस यू डेंट बिल्ड एनीथिंग यू डिट टच फाइव हंड्रेड का सब्स इन फोर ईयर ये बावसी कोई आउट ऑफ टाइम नहीं है एक्सेप्टेड हु टू हंड्रेड इन द बैंक किसके 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 पास आए? किस के पास आए भाई? 200 के तेरे, तेरे 200 कहां गए, गए, गए नहीं नहीं? दे, दे फाड़ मजे मिला और ब्लॉग भी बनाया शुक्रिया भाई कोई नहीं मीर भाई बिन डूइंग दिस भाई कंस्ट्रक्टिव क्या करेगा भाई बिहारी मजदूर अरे यार मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ ये ये वो है ये वो लोग है जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के नाम पर मेरी सीरीज को बदनाम कर रहे हैं मेरी मूवी पे दानछन लगा रहे हैं मैं उनकी बात करने जा रहा हूं जाओ साहब बज रहे हैं सबकी माँ की चूत ठीक है भाई रव यू भा थैंक यू ठीक है भाई अगर तुमको को पसंद आता है तो बहुत बढ़िया मैं कोई अपने बहन चो देंटाइटल न्यू ओपिनियन पे अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तुम अपनी गान बना सकते हो भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बैठ के सुनना पड़ेगा माननी पड़ेगी नहीं तुम्हें बकवास लग रही है वो कैन जस्ट फकोफ भाई यूकैन जस्ट गो हैड एंड अनसब्सक्राइब हमेशा के लिए मेरा मुंह मत देखना जिंदगी में अगर तुम लोगों को समझ नहीं आता मेरी बुद्धि में नहीं पड़ता है ना यू कैन जस्ट गो सॉरी है तो तुम लोग भाई जिम की, की पार्ट टू ही बना देते ब्रो ट्रा... ब्रो ट्राई ट्राइंग टू टू हार्ड कोप अरे ए, ए, एक सेकेंड़ एक सेकंड सेकंड भाई मैं मैं वो भी लगा लेता हूँ तेरी खुशी के लिए ना मैं वो भी लगा लेता हूँ अगर जो तेरी बुद्धि में मीम पड़ता है ना मैं सब यहाँ पे लगा दूंगा भाई एक सेकंड भाई एक सेकंड भाई तेरे को बहुत पसंद रहने वाला मीम लेट्स डू दिस ब्रो ये चाहिए था तेरे को ये

ट्रिग्नोमेट्री के लैपलेस थ्योरम लगाओ चार पांच मैं वो सब करने ही नहीं है मैं सीधी सीधी बात करने है वो वही सुनते हैं ना सारे ऑनिस्टली सेंगे हॉलीडेम वर्क फॉर मी बेस्ट बॉलीवुड कैंडल बेस्ट सेकंड गवर्नमेंट डेकोरेट सर्ट है बहुत फ्रेश है बहुत यूनिक आइडिया इट अगर आपका एक गाना होता उसमें है उसमें कॉमेडी स्केच सीरीज नॉट वर्क इन म्यूजिकल स्केच सीरीज वह वो एक ट्रोल फेस भी लगा दो रुक जा भाई तू कहता है तो फिर ठीक है भाई सीन भी बना लेंगे एक सेकेंड दे दे भाई मेरे को तेरा फेवरेट कौन सा है ये वाला ले भाई तुरंत इंस्टेंट तू तु बोल भाई यू यू डोनेट आई डू इट देसी की एन पील बढ़िया था थैंक यू भाई वरुण देव भाई थैंक यू सो मच फॉर वन एटी रुपीज ठीक है भाई तुम लोग भोसड़ी वालों पागल हो तुम लोग मेरे डिलूजन को फंड कर रहे हो इट वॉज नॉट फनी एट ऑल नहीं था भाई फनी बस मिट्टू डॉन सही था उसमें एक्जैक्टली भाई बस मिट्टू डॉन सही था और डिक्टेटर डैडी वाला पार्ट कैसे भूल सकते हो आप लोग डिक्टेटर डैडी बेस्ट था भाई यू मिस द बेस्ट पार्ट हाउ कुड यू डू इट भाई लोग तेरी गांड फाड़ देंगे यहाँ पे तेरे को सूली चढ़ा भाई डिक्टेटर डैडी मिस कर दिया छक्के ने भाई इसको हिजरा पुलिस के हवाले कर दो भाई ये डिक्टेटर डैडी वाला पार्ट बोल गया ओ माय फ़किंग गॉड ब्रो यू मिस द बेस्ट पार्ट भाई तू तो चूतिया है भाई भाई तेरे बस की नो है तूने वीडियो नहीं देखी भाई बहुत मस्त है स्केच लव यू ब्रो ये कुछ चूतिया को पता नहीं बहुत सारा प्यार

हम लोगों ने ये सीरीज को बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया अकॉर्डिंग टू मतलब व्हाट इट एक्चुअली वाज ठीक है पर तेरे वीडियो में अर्पित बाला भी होता तो मज़ा आती लेकिन सही था सॉरी भाई अगली बार डाल दूंगा back, time, ah, you, हर्च भाई ओवर हाइप्ड कह रहे हैं लोग इस चीज को कह रहे हैं डेढ़ साल का तूने जो वो टैग लगाया इस पर डेढ़ साल लगे हैं इसकी बनावट में डेढ़ साल के बहन दो साल लगे हैं कम नहीं करने वाला उसको ढाई साल लगे और बढ़ा दो उसको क्योंकि लिखा है बहुत टाइम से जा रहा है मैं नहीं करने वाला बैकआउट ये परसों लिखा हमने और हम जो चूतिए थे हमने जल्दीबाजी में कहा कर... लौड़ा हम बहुत टाइम से लिख रहे थे इसको हम तुम जो सोच सकते हो उससे भी ज्यादा लंबे टाइम से लिख रहे थे डेढ़ साल पे तो इसकी वर्किंग है ठीक है हम लिख बहुत पहले से रहते थे इसको इससे क्या साबित होता है कि ओवरहाइट था लंड बहन चौथ कब बताया इसके बारे में अक्टूबर पांच महीने हुए तुम लोगों को इसके बारे में पता होने में और वो भी मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था जो सबने देखा भी नहीं है किसी को पता भी नहीं था बहनचोद हमारे पास बहुत सारे काम थे करने को अर्पित अपनी स्ट्रीम्स कर रहा था अर्पित अपना बहनचोद पूरा ब्रांड बिल्ड कर रहा था अर्पित फेमस हो गया उतर गया हेट आने लग गई बहुत कुछ हो चुका है इसके बीच में सिर्फ डेढ़ साल से ऑलरेडी हम वर्क नहीं चल रहा है पांच महीने और हाइप क्या पोस्ट हम क्या करें बैंको रीच ज्यादा मैंने वाले के साथ एक सीरीज बनाई है मैं उसको टैग ना करूं ना करूं टैग ना बताऊं उसको बताना है अगर लोगों को मेरी एक सीरीज आ रही है तो ना बताए ओवरहाइट क्या है? उस पर ज्यादा क्लाउड उस पर ज्यादा नज़रें हैं तो बहनो ओवर ओवरहाइट क्या होता है इसको बोलते हैं भैंसो दिखाना

150 लोगों की सीटिंग थी लास्ट मोमेंट वेन्यू चेंज हो गया क्योंकि अर्पित वाला और डैंग ऋषु की शक्ल देख के कोई नहीं चाहता था डीएल डीएलएफ एवेन्यू में पहंचो उनका शो हमको वेन्यू भी नहीं मिला हमारी इतनी सी औकात है तुम ओवर हाइप की बात कर रहे हो 110 लोग आए 150 की टिकटें बिकनी थी एक लोग आने चाहिए थे नॉट हाउसफुल नंबर टू नंबर टू नंबर टू नंबर टू गुड़गांव टू लोगों की सीटिंग थी दो लोग आए नहीं था हाउसफुल कोई ओवरहाइट नहीं था इतना ही ओवर हाइट होता भैंसो पूरा थिएटर भर रहे होते हम नंबर तीन मुंबई साढ़े तीन सौ की सीटिंग तीन सौ लोग आए मैक्स क्राउड हमने जो फिल करा वो मुंबई का और उसकी टिकट बहुत पहले से अनाउंस थी हफ्ते चार पांच दिन पहले हम एक भी शो हाउसफुल नहीं कर पाए तो अगर तुम्हारा यही आर्ग्यूमेंट है ना कि बहुत ओवर हाइट था तो बेंच क्यों नहीं भरे क्यों नहीं भरे हमारे शो इतना ही ओवर हाइट था क्यों नहीं आए देखने लोग आठ सौ रुपए की टिकट तो फर्स्ट शो में ही थी ना फिर तो बहुत सस्ती कर दी थी चार सौ चार सौ रुपए की टिकट बिक्री थी अगर तुम लोग इतना ही कह रहे हो ना हमको लेबर क्लास लोग देखते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों नहीं आए वो क्यों नहीं आए शो पे इतना ओवरहाइट था तो बड़ी बड़ी जल्दी उठा के पहुंच जाते हो आर्टिस्ट के शो पे हमारे शो पे क्यों नहीं आए लोग इतना ही ओवर हाइट था इतना ही वो था

वाई हॉलीडे होमवर्क बाई डैंग रिश्वन अर्पित वाला इस टॉप टीयर ट्रैश का थ्रेड भाई भाई सुबह मैं देख रहा था ये कल की थ्रेड थी आज डिलीट हो चुकी है आई डोट नो इफ यू हैव सीन इट नॉट तीन सौ पचास इंप्रेशन है अच्छी व्यू फार्मिंग हो गई है अंश भाई की लेट्स डू दिस भाई एक आर्टिस्ट उसकी ऑडियंस का गुलाम होता है दे आर मेंट टू वर्क फॉर अस वी आर द वंस हु आर फीडिंग दम वी कैन जस्ट दम क्रिटिसाइज दम एंड स्लेव दम थ्रेटन दम बीट दम एंड एनी अदर थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ फ्री फ्री फील फ्री टू हेट दीज

आई एम ओपन टू एक्सेप्टिंग एवरी थिंग यू हैव अगेंस्ट हॉलीडे होम मैं ले लूंगा भाई मैं अपने मुंह पे ले लूंगा मैं अपना भोसडी अपना चेहरा कटवा के नाली में डुबो दूंगा मैं मेरे को चौराहे पे गधे की गांड पे बांध के ना तुम बैंको पूरा चक्कर लगवा देना इस डली का मैं लगा लूंगा खुशी खुशी की मैं सबसे बड़ा चूत मग गाऊँ मेरे से बस की कुछ नहीं है मैं नहीं कर सकता मेरे से लिखावट आती नहीं मेरी कल... मेरी इंडेक्स फिंगर और थम को तोड़ के तुम अपने बहनो म्यूजियम में फ्रेम करा लेना मैं नहीं लिखूंगा आज के बाद कुछ पर ये ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अब अब पे पे के क्यों? क्यों? क्योंकि हमेशा एक नया बंदा चाहिए होता है एक से हाथ अटता है एक दूसरा चाहिए होता है ना जय से इतना ही तुम प्यार कर रहे होते मेरे को हफ्ते में चार बार कॉल ना आते इन बहन के लोड़ों ने मेरा मत्ता खराब कर दिया नॉट इवन एग्जेजरेशन तुम लोग इतना ही ज्यादा उसको चढ़ा के रख रहे होते ना वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट डालता है उसकी मां चोदने पर लग जाते हो कोई कुछ नहीं कर सकता कोई कुछ नहीं कर सकता बहनचोद यहाँ पे और तुम लोग उसका मजाक का नाम भी दे सकते हो बहनचोत क्यों आते फिर उसके कॉल क्यों करता वो बहन चोत इतना ही तुम लोग उसको राजा बाबू बना बनाकर रखते हो इतना ही बेटर था तुम्हारे इतने मत्थे के उस पे ताज पे बैठा हुआ है तो क्यों आता है उसका कॉल मेरे को बोलो बोलो ना क्यों आता है भाई उसका कॉल मेरे को हफ्ते में चार चार बार इन्होंने आज ये कर दिया वो कर दिया बहनचोद क्यों कोप कराना पड़ता है फिर तो सभी कोप कर रहे हैं फिर तो सब कोपी एम पे जी रहे हैं फिर तो कुछ हेट है ही नहीं ना सबको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले जा रहा है ठीक है भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नहीं करते हैं ज्यादा जज्बातों बातों में नहीं बहते हैं लेट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ठीक है लेट्स डू दिस ए आई बी लेवल ट्राई ए आई बी लेवल ट्राई पे पढ़ते हैं लोग कह रहे हैं दिस इज वेरी ए आई मतलब बहुत कोशिश करिए ए आई बट बहुत ही ज्यादा मतलब इट वॉज वेरी चाइल्ड इट्स नॉट ए आई यू आर जस्ट वी आई ए मत करना ठीक है लोग तो कह रहे हैं कि ए आई बी का बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस था बट तुम लोग नहीं पहुंच पाए तुम्हारे बस की नहीं है अर्पित बाल और डेंग रिस मोहल्ले के प्रीमियम नाली वालों तुम्हारे बस की कुछ नहीं है झाट मरी को तुम नहीं कर सकते तुम्हारे ब... तुम बैंको तुम वही करो ना स्ट्रीम अपने कमरे में बेडरूम बेंचो स्ट्रीमर्स वही देख के हम खुश हैं उसकी रील बना लेंगे डू दिस डू दिस ठीक है ठीक है वो अलग बात है कि तुम लोगों ने ही कहा था एंचो कुछ वीडियो चाहिए कुछ स्पेशल बनाओ मांगी जिम्बर टू ये वो लो उसकी भी बात करेंगे बाद में मुंबई वाले शो पे ए का लीड राइटर आया था एंड दिस नॉट फ्रॉम भैंस ऐसी कोई राइटर नहीं है जो उन्होंने जब अमीर हो गए थे तो उन्होंने हायर कर लिया दिस इज अ मेजर राइटर दैट दे वर वर्किंग विद बहुत सारे टाइम्स है मतलब आई एम नॉट गोइंग टू वेम एम ऐनचो मैं ले भी लूंगा मैं ले भी लूंगा अगर मेरा मन करेगा ए का लीड राइटर आया था जस्ट आफ्टर द स्क्रीनिंग उसका हमको टेक्स्ट आया मेरे को नहीं अकेले को ना अर्पित को कि उसके क्लाउड पर बैंक वो झूलना चाह रहा हो हम दोनों को टेक्स्ट आया कि स्केचेस बहुत अच्छे थे तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी और बहुत मतलब काफी अप्रिसिएशन आया उसने दो चार जगह जाके और बताया एआईबी का लीड राइटर नॉट इवन फकिंग उसने एक्टिंग भी करी के में. है आई बी एचेज में तुम लोग चाहते हो और वेरीफाइड सोर्सेज भी चाहिए तुमको मैं आके दिखा भी दूंगा डीएम बट राइट ना एम नॉट गोइंग टू नेम हिम बात रही बहनचूद लोग अफेंडेड फील कर रहे हैं दूसरों के लिए कि दूसरे बंदों ने क्यों आठ सौ रुपए दिए इस चूतिया चीज को देखने के लिए बहन ये क्या होता है तुम दूसरों के लिए क्यों ऑफेंडेड फील कर रहे हो बहन जो तुम क्या बाहर बारिश हो रही होती है तो भोसडी के अपने वॉशिंग मशीन से निक, निकले हुए झूठे क्या कहते हैं गीले मुझे पहन के चले जाते हो बाहर क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ये क्या बात हुई कि दूसरे देखने आए हैं जो लोग स्क्रीन देखने हैं हर एक बंदा हमसे मिलकर गया हमसे मिलकर गए हैं लोग और भैंसो इतना ही होता है ना किसी को ना पसंद आई है भाई मैं बता रहा हूं मैं झूठ भी नहीं बोल रहा अगर आप लोग स्क्रीन पह मेरे को अपनी टिकट भेज दो अगर आपको सही है ना, अब तो आउटलेट में, आप देखो, तिबारा देखो आपके बस की आपको नहीं पसंद आ रहा है ना आप मेरे पास आगे बोलो कि मेरे को नहीं पसंद आया मैं आपको रिफंड कर दूंगा क्यों नहीं मिला क्या सब आदमी क्यों नहीं मिला ऑडियंस कर लो कोप कर लो तुम लोग जितना कर सकते हो कर लो मुझे नहीं चाहिए कॉपी तुम्हें चाहिए कॉपी कॉपियों तुम्हारा फेवरेट नाले वाले जिनको तुम लोग अपने दोस्तों में फ्लेक्स करते थे जाके हाँ भाई मैं तो ये देखता हूँ तो देखता हूँ देख वही भोसड़ी के भाई के बर्थडे में माधर चो अपने मुंह पे एलविस यादव की फोटो लगा लेता अर्पित के मुंह पे प्रीमियम सपेरी की फोटो लगा के अपने लेता तो तुम सबको बहुत हंसी आती बहुत हंसी आती क्योंकि तुम लोगों को मजा आता है भाई मजा आता है बहनचोद अगर किसी का नाम इन्वॉल्व हो भोसडी चार लोग देखे नाम उछले किसी की नाक कटे पकड़ी उछले अगर यही बहन चो गचोत किसी एसिड अटैक विक्टिम का या किसी रेप विक्टिम का मजाक उड़ा देता मैं किसी बहन चो करली बाल वाली लड़की जिसको जो एल्बाइन है उसको लेके खड़ा कर देता और बोल देता बहनचो आटा महंगी लग रही है तुम लोग बहुत जोर से हंसते क्योंकि तुम लोगों को यही चाहिए इसको बहनचोद पंचिंग अपनी बोलते हैं ये बिलो द बेल्ट जोक जो तुमको पसंद है इसको पंचिंग अपनी बोलते हैं मुझे मत सिखाओ हम लोगों को मत बताओ भाई क्या होता है प्लीज भाई स्पेशली वीडियो ऐसे यूट्यूबर्स भाई आके मत बताओ भाई हमें क्या होता है वी हैव बीन डूइंग दिस शिट फॉर मतलब कंचत बहुत पैटी लग रहा है भाई आके बोल मत दिस फकिंग इट्स सैड भाई इट्स सैड जस्ट बिकॉज तुम लोगों को ना वो टाइम स्टैम्प लिख के बेंचो लिखने का मौका नहीं मिला इस जोक का ये मतलब है इस जोक तुम्हारा वो भैया सिंड्रोम है ना भैया जो तुम लोगों को ऐसे बेंचो टेक्स्ट बुक यहाँ पे डिक्शनरी रखनी पड़ती है यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक होती है जोक का मतलब ढूंढना पड़ता है बेंचोर वो ह्यूमर होता है जिम पार्ट वन बहुत बार दस बार देखा मैड रिपोसिबिलिटी ब्रो लोड़ा कॉमेडी ऐसे होती ही नहीं है

ठीक uh, है एक इन्फेनेट बेंच प्रेस लो अपनी सबकी ओके होल्ड अप होल्ड अप ठीक है होल्ड गोना डू दिस अगेन करोगे बहन तो तुम लोग वेट आज एक इन्फेनेट बेंच प्रेस लो अपनी सबकी मम्मियां नंगी लिटा दो वहां पे सबकी मम्मी तुम्हारी जो बुला बोल रहे हैं इस चीज को जो प्राइम रिशु को मिस कर रहे हैं मोटा रिशु अच्छा लिख सकता था तुम सबकी मम्मी नंगी लेटी में उल्टी उल्टी नंगी लेटी में लाइन से उन सबकी गांडों के बीच में मैं लंड रखूंगा अपना तीन इंच का और वो जो बर्गर बनेगा ना लाइन से खाऊंगा और फिर से मोटा जाऊंगा और फिर लिखूंगा तुम्हारे लिए बेस्ट स्केच बेस्ट स्केच भाई फिर टाइम स्टैम्प डालना बहन नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई इट्स कॉल्ड वाले पे एक और मेरे पास पॉइंट था बट आई डेंट वॉन्ट टू फ्लेक्स फ्लेक्सेंड इन ट्वेंटी मैं बच्चा था भाई यू विश यू कुड फिट इन अ रूम विथ तन बे आई विश टू बट इट इज नॉट लॉजिस्टिकली पॉसिबल तो वो रहने देते हैं ठीक है तुम लोगों को बेस्ट स्केच लगे नकुल और कार्तिके वाले फॉर सम पीपल मतलब जिनको कार्तिके नहीं पता जो कि सिर्फ ट्रेंड 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 वेव पे हैं वो सब भी उसी टाइमलाइन में लिखे गए थे वो सब सेम स्केचेस हैं जो हमने एक साथ लिखे थे हमने लिखते वक्त नहीं सोचा था इसमें बहन चो तो हम नकुल को डालेंगे या कार्तिक कार्तिकी को चलो मैं बोल देता हूँ हमने सोचा था झूठ नहीं बोलूंगा कार्तिके का हमने सोचा था बट नकुल का लौड़े से नहीं सोचा था और वो वो जोक भी स्ट्रीम पे यूज्ड है मैं और जो अर्पित है वो स्ट्रीम पे वो जोक कर रखा है मैट्रिक्स वाली तुम लोग जाके देख सकते हो तो ये पॉइंट तो मेरे आगे मत लाना कि सब लोग प्री सब कुछ प्री रिटर्न था प्री रिटर्न भैंसो तुमको पता है कितना मुश्किल होता है कमेडियन के लिए तुम कितना ही एक बोल लो कितना ही कुछ बोल लो भैंसो यू नो हाउ इजी इट इज फॉर म्यूजिशियंस एक गाना बनाना है हिट हुआ यू कैन प्लेड फॉर भैंसो सेंचुरीज एंड पीपल विसन सौ साल पुराने गाने अभी भी चलते हैं बट अगर तुमने एक स्केच को देख लिया एक कॉमेडी स्केच को देख लिया एक जोक पे हंस लिया फिनिश्ड नो रि मतलब कोई प्लेबिलिटी नहीं है उसकी एक जोक पे एक बार हंसी आती है एक गाना हजार बार सुना जा सकता है तो तुम लोग भैनचूद अगर हम लोगों को इतना भी मौका नहीं दे रहे हो ना कि हम अपना सेट टेस्ट कर सकते हैं आगे जैसे अर्पित और मैंने करा हमने अपने जोक्स प्ले आउट करे जैसे कि एक बारी टेस्ट कर लेते हैं सेट ही बनता है ना ये जो तुम लोग देखते हो समय रहना और इंडिया जटा हुआ, जटा हुआ। वो लोग पता हम स्केच कॉमेडी हाँ, और ये वो। तुम लोग ये चाहते हो लोड़ा हम पार ही तो है टेस्ट करने हमने टेस्ट कर हम क्या करें अगर तुम इतना क्रॉनिकली ऑनलाइन हमारा हर मूव फॉलो करते हो फिफ्टी परसेंट करा 50 परसेंट हमने न्यू रखा तो क्या करें कहा टेस्ट करें जाके बैच चु रो नहीं रहा हूं हम पे नहीं है भाई हम पे नहीं है ओपन माइक स्केच कॉमेडी के लिए कोई ओपन माइक्स नहीं होते हैं हम पहले स्केच बनाए भोसडी के अपना पूरा पैसा डाले लाख रुपए उसको जाके दिखाएं वो वेस्ट कर दें और फिर भोसडी का अच्छा नहीं निकला तो बेंच चुत गए हमारे तो रुपए कहां टेस्ट करें स्ट्रीम ही तो हमारे पास प्रोसेस पता नहीं होता है हाँ भाई क्रिटिजम है लोड़ा तुम्हें कुछ नहीं पता लोड़ा अगला पॉइंट हाँ ये नकुल और कार्तिके वाला जो तुम लोग इतना ज्यादा अपना वो अपने कंधे पे बिठा के चल रहे हो जय जय कारा और ये सब कर रहे हो उनके साथ एक बार एक बार इनको फॉलोअर तुम्हारी जो फेवरेट फेवरेटिज्म वाली फॉलोअर लिस्ट है ना इनको उनके पास आने दो वो लोग जो तुम्हें आईआरएल पसंद नहीं पसंद है ना

तुम इसके साथ भी वही करते क्योंकि फिर तुम लोगों को दिखता भैनचूत ये क्या हो रहा है भाई अब ये लोग कर रहे हैं अच्छा काम अब ये लोग ऐसे कर रहे हैं फिर तुम लोग अर्पित बेटर कर देते तुम लोगों को प्रॉब्लम ही है भाई प्रॉब्लम ही वही है क्योंकि निकल गए ना भाई उस वाले हम कोटा से हम नहीं बन सकते भाई तुम्हारे पर्सनल नाले वाले लोगों की नज़रें आएंगी भाई इस चीज पे और मेरा भाई यही कहना है भाई अगर भैनचूत तुम लोगों को पसंद आ रहा है भाई डोंट बी अफ्रेड बिकॉज ऑफ द कॉमेंट भाई तुम लोगों को अलग से नहीं निकलोगे क्योंकि मुझे पता है भाई इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था जो कि लोग निकले थे ना देख के उनको अच्छा ही लगा था और शुरू में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो कि ओपिनियन उसी चीज पे बेस करते हैं जो, जो कमेंट्स आ रहे होते हैं हर बार जो साइड ऑफ कमेंट्स ओवरटेक कर लेती ना वैसी वीडियो बन जाती है वू शैंकलैन हमने लाइव प्ले करा मेरी लाइव स्ट्रीम पे प्ले हो रहा था वो गाना वाचिंग लिटरली घट रही थी कमेंट्स आ रहे थे क्या चुदा है ये क्या बवा सी रही है यूट्यूब पर आया गाड़ियाँ पड़ी हैं हमें हमें गाड़ियाँ पड़ी हैं जिम पार्ट वन पे शुरू के कमेंट अनफनी सर मेरे को ही समझ नहीं आया ये बेकार था मेरे ट्विटर पे नहीं जाके। ये वीडियो का है तो वीडियो चुद जाती है। जैसे इस बार हुआ अगर वो वीडियो छुप अगर वो कमेंट छुप जाते हैं तो वीडियो चढ़ जाती है अगर ज्यादा कमेंट्स ये वाले दिख जाते वीडियो बढ़िया तो भैनचो इसको भी पूछ रहे होते सब वो शैंक ना फटा ना दो भैंसो हमारा लॉर्डो ने एक रात में रिकॉर्डिंग लगा के जो ड्राफ्ट बना के दस मिनट स्ट्रीम खेची हैं तुम्हारे जो बैचो तुम लेके चलते हो डी एच कीप करने में बैंको सालों सालों निकाल देते हो उनसे एक रात में आगे निकल गए हम लोग दस मिनट स्ट्रीम खेची ना खेंची ना तुम लोग हमको नाले वाला मानते थे ना हमको बोलते थे ना यूट्यूब रैपर इंटरनेट कमेडियन यही ना हमारी हमारी तुम्हारी नजरों में भाई प्लीज भाई प्लीज भाई ये ढोंग मत करो कि ये ढोंग मत करो कि हम लोग तुमको किसी भी तरीके से मतलब आगे चाहिए हम तुम लोगों को पसंद है हम लोग नहीं जाते नहीं नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी बट तुम लोगों को पता है मैं किसकी बात तुम लोग नहीं चाहते हो भाई झाटे से नहीं चाहते हो मेरी जब चुद्दी लग रही थी लौड़ा कोई मेरे यहां आया लौड़ा कोई पूछ रहा था मुझे बस वो सीसीएल वाली वीडियो निकली और सब ने बैंड वैगन पे चढ़े और फटाफट भैंसो पहुंच गए उसको एड करने उसके बाद जब मैंने बताया मेरे साथ क्या चल रहा है लौड़ा कोई आया

तू तो हर रील के नीचे कमेंट जाके स्क्रोल करता है हर हर रील के कमेंट लाइक करता है, तेरे को तो सब पता होगा ना हर जोक तो तेरे लिए है, है, तेरी तेरी अटेंज, का भोसड़ा हो गया, मिनट देखने में जाती है। अगर एक पंच नहीं आता, है, अगर एक मैं बैठा पे टैक्स इंस्पेक्टर भाई जो घटिया करेक्टर प्ले कर रहा हूं क्यों जो कॉमेडियन नहीं था असली इंडिया इज नॉट रेडी फॉर हाँ नहीं बोल सकता, सकता, सकता इंस्टाग्राम रील्स वाली नहीं हो सकती इसमें ये अलग था भाई नहीं था ये नॉर्मस पे बेसिक नॉर्म्स पे जो तू चाहता था ना भोसड़ी के जेम पार्ट वन का वो लैंड आउटा के अपने हाथ में सवा किलो का लेके जाएगा नहीं हो पाता भाई वो हम कर सकते थे भैं जो हमके जिम वीडियो आती लिखी हुई है नहीं बनाई ना नहीं करना था वो ट्रेंड राइड ही करने होते भोसडी के कब का दो साल पहले निकाल दिया होता हमको पता है हमारी क्या चीज चल रही है क्या चीज नहीं चल रही है मंदे नहीं है कर देते ना बट वो जो तुम्हें देखना भोसडी वही आ जाता तो फिर फायदा क्या होता सब तो तुम्हें पता ही होता फिर प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं अब अनफनी है हर चीज के लिए तो एक टैग है तुम्हारे पास भाई तू भी तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता था बस अनफनी बोलता था क्या भाई वीडियो में

अगर तुम लोगों को जेनुनली लगता है ना एक वीडियो की इतनी रिबॉसिबिलिटी रिबॉसिबिलिटी होती है और इतना बहन इस लेवल का स्लैंडर है कि तुम लोग हजार बार देख सकते हो उसको तो तुम्हारे अंदर फॉल्ट है मैंने नहीं बनाया था ऐसा वीडियो कि तुम लोग इसको हजार बार देखोगे और तुम लोग जितना भी बोल लो बहन ये हो गया वो हो गया ये हो गया मुझे नहीं करने की जरूरत प्रूफ तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाती है एक रफ्तार लाइफ स्ट्रीम पर मेरे लिए लौड़ा कुछ नहीं है मैं दोबारा आके उठता हूँ और दोबारा नई लाइफ स्ट्रीम करता हूँ उस पर भी बहन उतना ही बहनचोद बैंक करता हूँ उतना ही किल करता हूँ

हो क्या कैसे हाँ तुम लोग मुझे कह रहे हो कि इट वॉज नॉट बाय यू जस्ट फील लाइक वी हेट यू वी डो नॉट एक्चुअली हेट यू वी आर योर फैंस क्यों हो रहा था फिर ट्रेलर पे बेस्ड क्यों हाइट आ रही थी मेरे को ट्रेलर के ही बहन चो कमेंट्स पे ज्यादातर ये क्यों आ रही थी चीजें कि ये तो बेकार है ये तो रद्दी है ट्रेलर से कैसे पता चलता है वीडियो का

ठीक है भाई ट्रेलर भी छोड़ देते हैं मैं जब स्क्रीनिंग कर रहा था पूरे आर्टिस्ट पूरे साल अपना टूर करते हैं ट्रिप करते हैं बेंचो हमसे पर्सनल बायस क्यों है हम क्यों नहीं कमा सकते भाई और कमाने के लिए था भी नहीं ये जो वीडियो आई है ना यही बनानी थी हमें कि लाइव टेपिंग होगी लोग देखेंगे बेंचो तो उसपे पे, पे किए गए थे लोग हंसने के लिए मैं कह रहा हूं दोबारा कह रहा हूं तो अगर कोई भूल गया कोई स्क्रीनिंग पे आया किसी को पसंद नहीं आए भाई तुम लोगों ने जितना टिकट का रेट दिया होगा मैं डबल रिफंड मारूंगा अपनी जेब से मैं दे दूंगा भाई तुम लोगों को अगर तुम लोगों को पसंद आया ना क्योंकि मैं मिला हूं ना लोगों से हम लोगों ने मीटर ग्रीट करा उसके बाद लोग आए इसी शर्त पे थे कि हम लोग मिलेंगे भी आपसे हम सीरीज भी देंगे हम लोग हमसे लोग मिल के गए हम पूछा है कैसा लगा आपको हम लोग कोई यसमैल के राउंड नहीं रहते हम लोग कोई डिलूजनल नहीं हम लोग पागल नहीं हो गए फेम में चूर नहीं हो गए अर्पित बाला वही बोसड़ी के चार बाय चार के कमरे में रहता है मैं वही बहनचोद एक बाय एक के बाथरूम में रहता हूँ डगा रे आ रही है मुझे नेक्स्ट क्या है? हाँ स्क्रीनिंग पे जब मैं टिकटे डाल रहा था तो ये क्या बात होती है जोत की मतलब मैं नहीं देख रहा, रहा हूं मैं नहीं देखने आ रहा हूं सात सौ रुपए छह सौ रुपए जो भी पांच सौ रुपए की टट्टी को फिर गिव अवे की टिकटों के लिए क्यों रो रहे थे लोग Some भाई. कैसे? तुमने देखा ही नहीं है तो कैसे ना मान लू मैं इसको हेटरेड कैसे ना मान लू मैं इसको बायस तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि ये सब रिलीज के बाद हो रहा है भाई मैं देख रहा हूं ये ये दो महीने से चल रहा है एक महीने से चल रहा है भाई स्क्रीन की टिकटे बेच रहा हूँ मैं स्टोरी पे आधे से ज़्यादा रिप्लाईस तो यही है मैं कौन देखेगा इस चुटति आपे को कहाँ की रिस्पेक्ट भाई कहाँ की रिस्पेक्ट कुछ माना है तुमने मुझे झाटे से कभी कुछ माना है जब तक मैं बहन चूँ तुम्हारे हरियाणवी गुंडे को सिलेंडर कर रहा था तब तक ही तुम्हारा मैं राजा था ना मेरी पर्सनल कोई इज्जत तो हुई नहीं ना इतने सालों में जब तक मैं मार रहा हूँ बहन चो रैपटे दे रहा हूँ लोगों में लगातार बहन चो चालीस चालीस मिनट के सिलेंडर बना रहा हूँ तब तक ही हूं ना मैं इंडिविजुअली मेरी कोई औकात तो नहीं है डेढ़ साल वेस्टेड हाँ भाई डेढ़ साल वेस्ट हो चुके हैं हमारे हम लोगों ने डेढ़ साल इस पर काम करा है हमारे डेढ़ साल छुट चुके हैं ऐसा नहीं हम बीच में बेंचों इंडिया के टॉप कॉलेजेस बिट्स पिलानी और आई दिल्ली में परफॉर्म कर रहे थे वो तो साइड रख ही देते हैं बेंचों और भी मैंने बीच में स्ट्रीम्स तो करी नहीं जिस पर तुम लोग रंडी रोने करते थे आके बाइक वीडियो चाहिए वीडियो चाहिए लंड से कुछ नहीं कर रहा लंड से कुछ नहीं बना रहा स्पेशल अब आएंगी रेगुलर वीडियोस रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स होगी जिसको देखनी है देख लो उस पर भी वन तो तुम्हारे रंडी रोने चलेंगे भाई जय मैं बोलता हूँ भाई जय डेफिनेटली बेटर उनने झाटे से कोई ओपिनियन नहीं दिया उसको लोग बोलते रहेगा ये कर ले वो कर ले उसने एक भाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया ये होगा और यही होगा इससे नीचे ऊपर कुछ नहीं होगा इससे मैं न्यूज़ बॉय देखूंगा आगे मैं बोलिए अपनी बात करूंगा खत्म बात भाई यही चलना चाहिए मैंने भी यही स्टार्ट किया था बहुत बढ़िया रहता था लोग अपने उसमें रहते थे वहनचो प्रॉपर उसमें अपनी इज्जत भी मिलती थी प्रॉपर यही रहेगा अब कुछ नहीं बनने वाला खत्म कदम ठीक है ठीक है खत्म ठीक है आई थिंक आई थिंक मेरे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर ही दिए कितना टाइम हो गया है थर्टी नाइन मिनट्स हो गए हैं आई थिंक वी हैव इट वी हैव इट मोर देनफ और तुम लोगों को अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं तुमको ईजियर वे में समझा देता हूँ द वे दैट यू लाइक इट जो भी मैंने बात बोली ना भाई तुम लोग एक क्लिप मैं दूंगा उसको ट्रिम करके ना हर बात के एंड में लगा लेना तुम्हारी लेड़े में ना बहुत आसानी से पड़ जाएगा क्योंकि तुमको ऐसी समझ आता है मैं तुम लोगों को लगा के दे देता हूँ जिस वे में तुमको समझ आता है आई थिंक अब तुम्हारे लेड़े में बात फिक्स हो गई होगी तुम लोगों को अब डिक्शनरी निकाल लेनी चाहिए अपनी अपनी क्योंकि भाई इट्स मतलब इट्स टाइम फॉर डबल एंड डबल जो भी तुम लोग बोलते हो ब्रो आई इवन या ये हैव इट आई तुम्हारे लहरी में अब लास्ट में पास पहुंच गई होगी भाई बिकॉज आई यूज रेफरेंस रेफरेंस टू दैट शर्ट हो गया भाई मैं सॉल्ट दुनिया भर का इतना ही था मेरे पास कहने को अब जो भी तुम्हारे पास पॉइंट्स है जो भी तुम्हारे पास वो है कीप डूइंग इट फक इन मतलब मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता एम नॉट इवन गोइंग टू मतलब रीड मैं बहुत पढ़ चुका हूँ मैंने बहुत सलाह मशवरा ले लिया लास्ट कुछ दिनों में एक काम करती है जो भी करना है करते रहो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बट जिन लोगों को जेनविन पसंद आई है वो पीछे ना रहे जस्ट बिकॉज पब्लिक ओपिनियन ये है कि ये बहुत बेकार है ये वो अनफनी जस्ट बिकॉज हम एजी कीड़े नहीं बने इसमें उनके मुताबिक तुम लोगों को पसंद आ रही है जस्ट गो में देखा भाई वोशैंकलैन महारानी ये सब जो चीजें थी इन बहन के लोड़ो ने इसको गेट कीपर बैरियर के चलते हुए रोक रखा था इनको पसंद थी वोशैंकलैन तो पसंद भी नहीं था बट जब बहन चूं उस पर एडिट बनने लगे और दस दस मिलियन व्यूज पहुंचने लग गए उसके एडिट बनने लग तब ये लोग सबसे पहले हमारे लौटे पे बैठे तो मैं चाहता हूँ भाई इसको उन लोगों तक पहुंचाओ जो कि जनवनली इसको पसंद करेंगे ना कि इन एजी कीड़ों पर और मेरे को झाटे से फर्क नहीं पड़ता तुम लोग जाके मारो भाई जोक जो तुमको पसंद है मैं नहीं बना रहा हूं मैं नहीं बना रहा हूं मैं नहीं हूं वो आदमी जो तुम लोग चाहते हो मैं बनू मैं नहीं बनने वाला तो भाई ठीक है आई एम नॉट कन्फाइनिंग टू योर फकिंग रूल्स एंड आई एम नॉट डू इट ये लाइफ स्ट्रीम इतनी रखते हैं क्योंकि तुम लोगों को बहन चो घंटे की आदत है वो भी नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलने वाली तुम लोगों को आज लेट्स एंड इट एट दिस नोट मेरे को बस इतना ही बोलना था सी यू एट सी यू एट दी एट एट दर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में नेक्स्ट वीडियो में आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू वीडियो मिलते हैं जल्दी भाइयों भाईओ रेगुलर लाइव स्ट्रीम बाय बाय ओ फक सॉरी 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 समझ नहीं आया होगा और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समेरा ना बाय बाय